प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। राष्ट्रपति ने मीठा दही खिलाकर मोदी को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई तेज। कल शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों को भेजा गया न्योता। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को किया गया आमंत्रित। भव्य होगा मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह। 7 से 8 हजार मेहमान होंगे इसमें शामिल। वकील, डॉक्टर, कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशे से जुड़े कई क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 के लिए सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सेंट्रल विस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी में बीजेपी के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, एनईसी के सदस्य और मौजूदा सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, क्लस्टर प्रभारी और लोकसभा प्रभारी होंगे शामिल। पीएम के शपथ समारोह में मन की बात में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले लोगों को भी निमंत्रण। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेड माइनर्स और आदिवासी महिलाओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के साथ गणमान्य लोगों को भी भेजा गया है न्योता। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा ने एनडीए के नेताओं से अलग अलग की है मुलाकात। जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए नेताओं की बैठक में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने नई सरकार में मंत्री पद के लिए कोई डिमांड नहीं रखी। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से एनडीए संसदीय दल का नेता, लोकसभा का नेता और बीजेपी का नेता चुना गया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने सभी सांसदों को किया संबोधित। कहा, एनडीए के सभी दलों के बीच आपसी विश्वास बेहद मजबूत। 22 राज्यों में है एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में प्री पोल अलायंस वाला एनडीए सबसे सफल गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जीतने के लिए बहुमत जरूरी, लेकिन देश चलाने के लिए जनमत बेहद आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 सालों के लिए सरकार का एजेंडा सबके सामने रखा। कहा, गुड गवर्नेंस, विकास, जन भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के बहाने विपक्ष पर भी तंज कसा। कहा, ईवीएम को कोसने की रणनीति बनाकर बैठा था विपक्ष। ईवीएम ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता। 4 जून के बाद एनडीए के व्यवहार ने बता दिया है कि हम महाविजय को भी पचाना जानते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम को बुके और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करते हुए दिखाई दिए। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा संसद का सेंट्रल हॉल। पीएम मोदी ने खड़े होकर सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने संविधान को झुककर नमन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने का रखा प्रस्ताव। कहा, एनडीए के नेता के लिए पीएम मोदी का नाम सबसे उपयुक्त और सर्वप्रथम। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर एनडीए के सभी सांसदों ने खड़े होकर किया समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समर्थन दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, जेडीएस नेता कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम ने 3 महीने तक आराम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में पीएम की 3 चुनावी रैलियों से टीडीपी को हुआ बड़ा फायदा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इस बार जो सीटें जीते विपक्षी दल, अगली बार वो सीटें हार जाएंगे। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम ने हाथ पकड़कर नीतीश को सीट पर बिठाया।
संसद भवन में एनडीए के सहयोगी दलों के अध्यक्षों का किया गया स्वागत। प्रहलाद जोशी ने सभी नेताओं को बुके और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी ने मुलाकात की। आज कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का होगा चुनाव। इसके लिए शाम 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का किया स्वागत। कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। लखनऊ के लोक भवन में होगी ये बड़ी बैठक। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की होगी एक बड़ी बैठक। समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता का हो सकता है चुनाव। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद अब फिर से बड़े बदलाव की खबर। एनसीपी के विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने का है बहुत बड़ा दावा। वहीं उद्धव गुट ने शिंदे गुट के विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा। महाराष्ट्र कांग्रेस के 13 सांसदों ने शरद पवार से की है मुलाकात। मुंबई में शरद पवार की आवाज पर हुई मीटिंग। देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। न्यूज 18 इंडिया की खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने से किया मना। विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के दिए निर्देश। मानहानि केस में राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत। कर्नाटक बीजेपी के केस के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा बिहार के युवराज के अंदर घमंड है। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह 3:45 पर आखिरी सांस ली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। 7 नक्सली ढेर जबकि 3 जवान जख्मी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने चलाया एंटी नक्सल अभियान। छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट के रिजल्ट के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ने नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का लगाया बहुत गंभीर आरोप। नीट परीक्षा रिजल्ट पर विवाद होने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। गुजरात के कच्छ में 40 लाख की लूट। बदमाशों ने एक व्यापारिक फर्म के कर्मचारी से 40 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई लोकल सेवा ठप होने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। पश्चिम लाइन पर अचानक से ही गड़बड़ी होने के बाद लोकल कई घंटों के लिए सेवा ठप हुई। पटना में शख्स की गोली मारकर हत्या का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद में हत्या की है आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक होटल में बदमाशों ने डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। होटल मालिक ने आरोपियों पर खाने के पैसे नहीं देने का लगाया आरोप। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9 फीट का बर्मीज अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को रेस्क्यू किया।